तुम्हारे भाई को पता था कि साला ये मेरे को जंदा मतलब जिंदा जलाएगा नल्ला। मैं भागने के तैयारी में था पर फिर भी गांड जली गई मेरे भाई, जल के भस्म हो गई। और ये थोड़ा ज्यादा हल्के में ले लिया हमने इसको, पर कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम्हारा भाई अब भी के अब भी दबोचा देगा। रुको रुको साले, जल्दी आ रहे चड्डी बजा, जल्दी आ जा, रिवाइव 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 ले दो, तुमको तुम्हें को रिवाइव ले दो, ऐसा दबोचा दूंगा ना इस बेटे को साले को। अब देखो रिवाइव ले लिया मैंने, ऐसा सीन होता है ना तुम्हारे भाई के साथ ही हो सकता है। मैंने ले लिया तलवार, मैंने बोला साले को काट दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक, काटने के लिए जा ही रहा होता हूँ भैया, तुम्हारे भाई को पता ही नहीं है कि मैंने कब तवा उठा लिया। यार रंगे फसल करने आए भाई, जब पता चला तो फट के हाथ में आ गई। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई दोबारा से खेलने जा रहा है BGMI। तो भैया फिलहाल का सीन ऐसा है, तुम प्लेन जिसका है उसको तो भूल जाओ, तुम ये देखो कि हेलीकॉप्टर किसका है। मेरे भाई हेलीकॉप्टर होता है नरूटो का, नाम तुम याद रखना अभी से, कॉपी में लिख लो मेरे भाई, यू हैव अ कॉपी यू वांट टू राइट हियर, क्योंकि इसको जो दबोचा दूंगा ना मैं तुमको बता के मारूंगा, तुम रुको। पर भैया फिलहाल मैं जा रहा था गोरे गोपाल हॉट ड्रॉप, ओनली हॉट ड्रॉप लैंडिंग मेरा भाई, ये दूसरी जगह उतरना है नले बाजी करना रे भैया मेरे से ना होए। पर यहाँ पे हो जाती गलतियां, ऐसी गलती हो जाती है मेरे भाई, बंदों को मिल चुकी थी बंदूक है, हालांकि हमको भी मिल जाती है पर ये बंदूक नहीं है, ये तो टट्टी है भाई साली, ये क्या बंदूक होती है। पर भैया फिलहाल लूटा पार्टी करके मैं थोड़ा घर पे आ जाता हूँ। इतने में इतना घमासान युद्ध चल रहा था ना मेरे भाई, तुम पूछो मत। पर भैया मेरे को दिखता है एक बंदा, तुम्हारे भाई को एक नल्ला दिख जाता है तो वो चल दे दिया, पर मेरे को 1% भी नहीं लगता है कि किल आएगा, कोई ना कोई नल्ले का बच्चा बैठा ही होगा जो किल चोरी कर लेगा। भाई आ कोई दिक्कत नहीं, अरे दान कर दिया तुम्हारे भाई ने, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे भाई का। पर इतने में हमारा नल्ला टीममेट नॉक हो जाता है, मैंने बोला बेटा रुक, इसको रिवाइव दिया। अरे तुम्हारा भाई भैया खाली रिवाइव रिवाइव खेल रहा है, इसको रिवाइव दे के मैं घर में जाता हूँ थोड़ा और टाइम पास करता हूँ। इतने में मेरे को नॉक हो गया, ये देखो। अरे यार ये क्या जिंदगी है साला, तुम गरीबों को उठाने में ही रह जाओ तो किल कब करूँगा यार। पर कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, अभी इनको रिवाइव भी दे दिया, अब पकड़ेंगे बंदों को मेरे भाई, अब दबोचा बराबर दिया जाएगा एक एक को पकड़ पकड़ के, ऐसा मैंने सोचा था। पर भैया बिल्कुल इसका उल्टा होता है, क्योंकि मेरे को मार रहे, देखो तुम्हारे भाई को मार रहे थे साले, मेरे की लाल कर दी नल्लो ने। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्या हो सकता नहीं मेरे भाई, अब बंदे हम पे रस करेंगे, अभी तक तो हम रस गेम प्ले चला रहे थे, वैसे कहाँ चला रहे थे, ये नलबाजी कर रहे हैं, बंदों ने रस पील दिया। चार चार लोडे आ रहे मेरे भाई, ये देखो एक आएगा अभी, आ जा ये देखो एक आया। अब भैया तुम देखो मैं नॉक कैसे हूँ भाई, मैं मार रहा हूँ बिल्कुल अंडरस्टैंड युद्ध चल रहा है देखो ये। अरे मेरी टीम कहाँ गई भाई, मेरे मरने के बाद तुम नॉक कर रहे हो सालो गधों के बच्चों। और ये देखो अब मेन शेर जब नॉक हो जाता है मेरे भाई टीम का, तो फिर देयर इज नो चांस टू सर्वाइव इन द गेम, ये नल्ले सबके सब मर जाते। अरे माँ कसम, मतलब भैया मेरे को भरोसा ही नहीं है इन नल्लों पे कि मैं अगर नोक होऊंगा तो कोई मेरे को बचा लेगा। अरे मेरा कद्दू बचा ले साला, इनमें हक भी दिए। पर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई वहां से मरा मुरी हो के दोबारा वहां पे जा सकता था, पर कोई फायदा नहीं है साला, मैंने बोला यासनाएं आ जाओ यहाँ पे, एक एक को पकड़ेंगे दबोचा देंगे मेरे भाई, ये सोच के चलो भैया उड़ चुला उड़ के छोड़ा है जहाँ नीचे जमी फड़ी हड़ू। अब तुम देखो तुम्हारे भाई ने जो तुमको बोला था मेरे को मिल चुका है, वो नरूटो का बच्चा साला यहीं पे नलबाजी कर रहा है, कैंपिंग कर रहा है मेरे भाई, तो मैंने बोला थोड़ी हम भी नलबाजी करेंगे गेम कर बोले मेरे भाई, तुम्हारा भाई जब नलबाजी पे उतरता है तो ऐसी नलबाजी करता है, उस चक्कर पूरी टीम मर जाती है, पर आज ऐसा नहीं होगा। अब देखो नरूटो जी हमारे पूज्य अतिथि रस्सी चढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखना भी अभी तो फिलहाल वो कैंपिंग कर रहा है साला, फट गई उसकी मेरा नाम सुन के कि रोहित जी आ चुके हैं, फट गया वैसे कद्दू भी नहीं फटी, मारेगा साला। ए देखो ये चढ़ गया, मैंने दबोचा दिया, इसके हाथ में थी लंबा हथियार, तुम्हारे भाई को पता था कि साला ये मेरे को जंदा मतलब जिंदा जलाएगा नल्ला। मैं भागने के तैयारी में था पर फिर भी गांड जली गई मेरे भाई, जल के भस्म हो गई। और ये थोड़ा ज्यादा हल्के में ले लिया हमने इसको, पर कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम्हारा भाई अब भी के अब भी दबोचा देगा। रुको रुको साले, जल्दी आ रहे चड्डी बजा, जल्दी आ जा, रिवाइव 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 ले दो, तुमको तुम्हें को रिवाइव ले दो, ऐसा दबोचा दूंगा ना इस बेटे को साले को। अब देखो रिवाइव ले लिया मैंने, ऐसा सीन होता है ना तुम्हारे भाई के साथ ही हो सकता है। मैंने ले लिया तलवार, मैंने बोला साले को काट दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक, काटने के लिए जा ही रहा होता हूँ भैया, तुम्हारे भाई को पता ही नहीं है कि मैंने कब तवा उठा लिया।
ये दंगे फसाद करने आए हो भाई? जब पता चला तो फट के हाथ में आ गई, पर काटूंगा तलवार से ही। ले बेटा बैठ। साले तेरे को क्या लगा था साले, एक बार नोक कर दिया तो मैं मार देगा बेटा बापू में साले। इसी के साथ एक बोट अतिथि भी आ जाते हैं जो कि हमारा किल चोरी करने का प्रयास करते हैं। उनको निपटारा दे दिया मैंने। ये रही उस नल्ले की बिट्टी, ये देखो है, ये साला लैपटॉप लेके घूम रहा था बेटा। भाग साले नारुतो, तेरे पास हेलीकॉप्टर होगा पर तू हमारी जुत्ती के नीचे मेरे भाई। तुम्हारे भाई के पास टट्टी कुछ नहीं है, पर आया कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से उड़ चला। उड़ के साला नीचे भी गिर जाता हूँ, ये क्या गेम है साला, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर से उड़ चला। उड़ के छोड़ा है जहान भाड़ में। तुम्हारा भाई यहाँ पे आता है, कुदा फांदी कर रहा था, इतने में साउंड आ गया था मेरे भाइयों, बंदा होता सामने। ये इसको लगा कि ये अकेला है और हम तीन हैं, इसकी फट गई, वैसे मैं छत पे चला गया। अकेले बंदे को तुम सोच रहे हो क्या, अकेले को मार रहा है? अरे स्क्वाड मिली नहीं थी मेरे भाई, अकेले को दबोचा देना पड़ रहा है, नल्लो को दौड़ा दौड़ा के पेला दे रहे। मेरे को एक बंदा दिख गया थरी शटोरी पे चटा चुटी कर रहा था, वो इसकी भैंस की, इसको भी दबोचा देंगे। चलो मेरे भाई ऐसी रल बाजी, एक जगह बैठे रहना, तुम्हारे भाई से होता नहीं है। लंबा हथियार हाथ में लेके तुम्हारे भाई ने रस पील दिया। ये करते करते मैं आता हूँ यहाँ पे, बंदा होता है दीवार के पीछे। तुम्हारे भाई को साउंड आ गया कि बंदा भागा भागी करके हम पे रस पील रहा है। मैंने बोला बेटा तू क्या पीलेगा, मैं ही पील देता हूँ नल्ले, ये ले। मैं जस्ट उसके सामने कूद गया मेरे भाई, ये देखो थोड़ी सी फटी पर तलवार पे भरोसा था, देखो लंबा हथियार काम आ गया। अब उसकी फट गई, अभी तक तो मेरी फट रही थी क्योंकि दबोचा दे सकता है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना मेरे भाई। कभी कभी बोट भी मार जाते हैं क्योंकि HP कम होती है, पर मैं रस पील दिया। इसको पकड़ पकड़ के मारूंगा साले को, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। मैं लगाता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा दूसरे छत पे चला जाए, कभी ऊपर वो बैठा बैठा हाग रहा होगा तो ऐसा चाटा रखूंगा ना साले को, नल्ले को पेशाब कर देगा। मैं सोच के यहाँ जाता हूँ मेरे भाई, बंदा ऊपर मेरा कद्दू नहीं होता है भैया, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ है पहली फ्लोर दूसरी फ्लोर, कहीं नहीं दिख रहा। इतने में एक नंबर जी बोलते हैं बंदा तो नीचे है मेरे भाई। मैंने बोला नीचे आ जाओ साला, नीचे तो क्या डरते हैं आप, तुम ये देखो ये साला लड़ कौन रहा था, मर कौन रहा था, किल किसका गया, यही बात है मेरे भाई। मैंने थोड़ी बोला था तलवार चला, पर भैया फिर से उड़ चला। उड़ के टंकी पे, इतने में एक और नल्ला साला गाड़ी लेके भाग रहा था, वो देखो उसको लगा वो बच जाएगा, मैं ऊपर कूदता, ऊपर नल्ला नीचे गिर जाता मेरा, इसलिए बच गया। पर कोई दिक्कत नहीं, इसका पेटा पेटी भराते, लूटा पार्टी करते, हम पहुंच गए। वैसे जाने तो मैं अपार्टमेंट वाला था, पर मेरे बोला कोई जाके कोई फायदा नहीं है साला, बहुत मारेंगे नल्ले वहां पे। मैं आ गया स्कूल, थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए मेरे भाई, नल्ले बाजी बहुत कर ली हमने, थोड़ी पढ़ाई कर ले। यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ भाई, दंगे फसाद हो गए मेरे भाई, भागना पड़ेगा, नल्ले साले बहुत मार रही है। देखो गाड़ी में से धुआं भी निकाल दिया नल्ले ने बेटा, गाड़ी के पैसे कौन देगा नकली। मैं अखंड प्रयास करता हूँ मेरे भाई कि एक आधी गोली लग जाए, पर ये भक्कर है, ये देखो साले भाग रहे हैं नल्ले, ऊपर अंदर ऊपर जाया जाए। ऊपर जाना होती है मेरी सबसे बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती होती है मेरी कि मैं ऊपर आ गया। हालांकि लोकेशन मिल रही थी मेरे को, पर साला पेटी बन जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। नल्ले साला एक वो बैठा नोक साला चड्डी पे दे रहा हूँ, पाट 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 पाट, ये किल कंफर्म कर देंगे हम साला। इसको नोक हमने नीचे से कर दिया था, हालांकि मैंने नहीं करा था, एक नंबर ने चोरी कर लिया चोलटे ने। अब भैया तुम ये देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मोली फेंक के कालिया चला भी गया, और इतनी जल्दी हेल्थ कैसे जा रही मेरे भाई। साला पहली बार मैंने देखा है भैया कहना कितनी मोली से बच के निकला हूं मैं, पर इतनी जल्दी हेल्थ कैसे जा सकती है, कोई मुझे बताएगा भाई? तुम मेरे को बताओ, हेलमेट वेस्ट भी लेवल 3 का लेके घूम रहा हूं मैं, पर भैया कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेन शेयर अगर नॉक हो जाए ना तो हम गिदड़ों पे भरोसा नहीं कर सकते। ये देखो एक पूज्य अतिथि मर चुके हैं, अब ये दो नंबर पागल आदमी साला वहीं पे रिवाइज दे रहा है जहाँ पे नॉक हुआ है। तो उस अखंड आदमी ने एक और बम फेंक दिया। अब भैया मेरे तो अब मत पूछो तुम, मोए मोए हो गया है साला, क्योंकि जा जा मैं नॉक हुआ ना, मैं इन पे भरोसा कर ही नहीं सकता कि ये नल्ले मेरे को रिवाइज देंगे। पर भैया कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल हमारा एस लग चुका है, कद्दू में रखूं मेरे एस को, साला मर तो गए। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
ठीक है दोस्तों, कल जरूर आना।